दोस्तों, लकड़बग्घे जो कि काफी खौफनाक होते हैं और एक अकेले शेर को भी वहाँ पछाड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर यह लड़ाइयाँ कभी कभी देखने को मिलती हैं और इन लड़ाइयों में दोस्तों ज़्यादातर शेर ही अपनी जीत को हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब यह लकड़बग्घे एक साथ झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत डबल हो जाती है और वह एक अकेले जानवर को उसे पल भर में मार सकते हैं और उसे मौत की नींद सुला सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर इन लकड़बग्घों ने एक भैंस को उसका शिकार करके उसे नोच नोच कर खाकर मार डाला है, लेकिन कहीं से वहाँ पर एक बब्बर शेर आ जाता है और आपको तो पता ही है कि बब्बर शेर जंगल का राजा माना जाता है, जो कि सभी जानवर उससे डरते हैं। और जो लकड़बग्घे हैं दोस्तों, वह अपना शिकार छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा से किसी अन्य शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर मशक्कत के बाद उन्हें फिर एक दोस्तों जिराफ मिलता है, जो कि इन बब्बर शेरों ने उसे मारा था। आपको दोस्तों एक बात बता दें कि यहाँ पर जो लकड़बग्घे होते हैं वह दूसरों का शिकार ज़्यादातर छिना कर खाते हैं और यह उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक दरियाई घोड़ा है, जो कि यह लकड़बग्घे उसे खा रहे हैं। जंगलों में यह शिकार करते हुए और चारों तरफ टोलती रहती हैं। इन्हें कोई ना कोई शिकार कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, जो कि बब्बर शेर और जो बिग कैट्स होती हैं वह अपना बचा कुचा वहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बब्बर शेरों की संख्या ज़्यादा होती है तो दोस्तों वह शेर को भी अपना निवाला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शेर को इन लकड़बग्घों ने चारों तरफ से घेर लिया है। लकड़बग्घे जो होते हैं दोस्तों, वह एक हिरन जैसे जानवर मिनटों में कहते हैं उसे थोड़ी देर में ही पल भर में उसे मारकर उसका सफाया कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन लकड़बग्घों ने एक हिरन को बहुत ही बेरहमी तरीके से नोच नोच कर उसका सफाया करना, उसे खाना शुरू कर दिया है। जंगलों की दूसरी तरफ दोस्तों एक और हाइनाओं का झुंड, जो कि उन्हें की तलाश में था और उन्हें शेरनी का किया हुआ शिकार दिख जाता है, लेकिन शेरनी वहाँ पर अपना शिकार खा रही होती है और लकड़बग्घे पीछे से आ जाती है और बाद में शेर भी दोस्तों वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन लकड़बग्घों ने इस शेरनी को बुरी तरह से चारों तरफ से घेर कर उसे नोचना शुरू कर दिया है और शेरनी दोस्तों अकेली होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती है और उन लकड़बग्घों की चपेट में आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद शेरनी की आवाज़ सुनकर उसका पूरा ग्रुप वहां पर आ जाता है और लकड़बग्घों को भगा भगा कर मारता है और लकड़बग्घे अपनी जान बचा कर वहाँ से भागते हैं। लेकिन इन शेरनियों को एक लकड़बग्घा पल्ले पड़ जाता है और उसे वह अपना निवाला बनाने लगती है। वो बाकी जो सब लकड़बग्घे होते हैं वह वहाँ से भाग जाते हैं और जो शेरनियों का झुंड है वह एक लकड़बग्घे को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि वह लकड़बग्घा भागने की कोशिश करता है और वह दोस्तों उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़बग्घा दोस्तों वहाँ से भाग नहीं पाता है और यह शेरनियाँ उसे मारना जारी रखती है। लेकिन दोस्तों, जो हाइनास का एक साथी होता है और जो दूसरे लकड़बग्घे होते हैं अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। उधर दोस्तों लकड़बग्घों का झुंड है और इधर शेरनियों का झुंड, इन दोनों में दोस्तों एक दूसरे को बचाने की होड़ लगी हुई है।
यहाँ पर दोस्तों यह लकड़बग्घा पीछे से घायल हो चुका है और अपनी जान मुश्किल से बचा पाया है। यहाँ पर भी दोस्तों एक शिकार को इन लकड़बग्घों ने कहीं से ढूंढ लिया है, लेकिन बब्बर शेर वहीं पर मौजूद है और एक तरफ इन लकड़बग्घों का झुंड भूक से बिलबिला उठा है और एक तरफ इस शेर के जाने का इंतजार कर रहा है क्योंकि यह ज़्यादा भूखे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बब्बर शेर की आने पर यह लकड़बग्घे चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं और उसके जाने का इंतजार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह लकड़बग्घे धीरे धीरे उससे उसका शिकार खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों शेर जो है काफ़ी खतरनाक होता है। उन्हें पता है कि यदि उसके सामने वह गए तो वह उस शेर का निवाला बन सकते हैं, इसलिए वह दोस्तों वहीं पर खड़ा होकर उससे वहां से जाने का इंतज़ार करते हैं। यहां पर दोस्तों इन लकड़बग्घों की संख्या कम से कम 40 से 50 होगी, जो कि झुंडों में एक पूरी सेना के बराबर होती है। और बात करें उनके दोस्तों लड़ने की तो या एक शेर को भी जिंदा खा सकते, उसे मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन लकड़बग्घों ने यहाँ पर एक शेर को मार दिया है और वह उसे खा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर यह एक अकेला शेर होगा, इसलिए यहाँ पर यह इसे उसका शिकार कर पाए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जो शेर का साथी है वह वहाँ पर आकर इन लकड़बग्घों के पीछे पड़ जाती है और जो शेर है वह अपने साथी का बदला लेने के लिए एक लकड़बग्घे को अपना शिकार बना लेते हैं और उसे मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं, उसे मार देते हैं। शेर के आने पर दोस्तों वहाँ भाग जाते हैं। दोस्तों शेरनियाँ भी होती हैं जो वह भी वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन कोई लकड़बग्घा है और वह सभी खतरनाक होते हैं। जानवरों की इस खौफनाक दुनिया में एक से एक खतरनाक जानवर बड़ा पड़ा है और सभी जानवर एक दूसरे से खतरनाक होते हैं। जानवर खौफनाक होने की वजह से डरावने भी होते हैं। जानवर जंगलों में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और कदम फूक कर जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों जंगलों में ज़्यादातर जो लकड़बग्घे होते हैं वह एक नया शिकार ढूंढते रहते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लकड़बग्घे एक मरे हुए शिकार को ही अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा शिकार नहीं किया जाता है या छोटी शिकारों को ज़्यादातर करते हुए दिखाई देते हैं या बड़े शिकार कर नहीं सकते, इसलिए या दूसरे जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं या उनका बचा कुचा खाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यह लकड़बग्घे और एक तरफ दोस्तों सीढ़ी है। यहाँ पर पप्पर शेर इन लकड़बग्घों की तरफ आगे बढ़ता है और जो एक मरा हुआ शिकार है उसे खाने के लिए बब्बर शेर भी आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह सभी शेर और चीनियाँ इकट्ठे हो जाते हैं और लकड़बग्घे
दूर दूर जाकर फैल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब एक बड़ा शिकारी आ चुका है। जंगलों में दूसरी तरफ गब्बर शेर और लकड़बग्गों की एक और लड़ाई देखने को मिलती है क्योंकि लकड़बग्गों की संख्या ज़्यादा है और लकड़बग्गे उस गब्बर शेर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गब्बर शेर दोस्तों अकेला पड़ जाता है और वह सभी लकड़बग्गे उस गब्बर शेर को नीचे घसीट कर मारना शुरू कर देती है, लेकिन जो गब्बर शेर होता है उनमें से एक लकड़बग्गे को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर दोस्तों एक लकड़बग्गा जो कि घायल हो चुका है और शेर के चंगुल में आ गया है, यहाँ पर सभी लकड़बग्गे एक तरफ हो गए हैं और अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शेर पर पीछे से हमला कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूर में थोड़ी दोस्तों वह अपने साथी को बचा नहीं पाते क्योंकि वह दोस्तों बुरी तरह से घायल हो चुका है और वह उसने दम तोड़ दिया है, वह अब वहीं पर मरा पड़ा है। कुछ देर बीत जाने के बाद शेर और लकड़बग्गों में लड़ाई जारी रहती है। लकड़बग्गे एक तरफ से दौड़ना शुरू करते हैं और शेर भी उन पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर शेर और शेरनियाँ दोनों और लकड़बग्गे एक तरफ हैं। शेर दोस्तों अपना शिकार लकड़बग्गे को बना लेता है। लकड़बग्गा है जो कि काफ़ी खतरनाक है और शेर भी दूसरी तरफ खौफनाक। तो दोस्तों आपको यह हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी खौफनाक वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।